आज हम लेकर आए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जो भी रोज़गार की तलाश कर रहे हैं या किसी अच्छे और बेहतर एग्ज़ाम के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा बम्पर भर्ती निकाली गई हैं। लगभग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की देख लीजिए 63, रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 14 और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 41। तो जिन्होंने सिविल में इंजीनियरिंग कर रखी है उनके लिए 41 वैकेंसीज हैं। ये जो रेवेन्यू ग्रेड ऑफिसर ग्रेड 2 और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 है, ये सबके लिए जिसने भी ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से पास कर रखी हो। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इन सब का वर्गीकरण कि कितना क्लासिफिकेशन किसको कितनी मिली है। जनरल में देखें, अगर इंजीनियर में देखें, सहायक अभियंता सिविल में देखें, तो 12 सामान्य की, 4 महिलाओं की, 1 विधवा की है। एससी में 5 सामान्य की, 1 सामान्य महिला की। इसका मतलब है कि 5 ये इस पर लड़के आवेदन कर सकते हैं, इस पर लड़के और लड़कियाँ दोनों आवेदन कर सकते हैं। अगर लड़कियों के मार्क्स लड़कों से ज़्यादा रहे तो फिर लड़कों की एक सीट मिल जाएगी। एसटी की 3-1, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर की 14 है, तो इसका लेकिन ग्रेड पे आपको मैं बता दूँ ज़्यादा है, 4800 ग्रेड पे है। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ग्रेड पे 6300 का है। तो ग्रेड पे में रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 ये हायर पोस्ट है। इसमें 6 सामान्य की, 2 महिलाओं की, फिर 2 सामान्य एससी में, 2 सामान्य की, एसटी में 1, ओबीसी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में असिस्टेंट इंजीनियर में 3 हैं और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 में 5 हैं और 1 महिला की है। तो ये खबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इस पर फिर बाकी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। डिटेल्स जनरली सेम है, बस इसमें इस बार थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में आप देखें तो बी सिविल इंजीनियरिंग जो असिस्टेंट इंजीनियर की है, जो 5400 ग्रेड पे, ग्रेड पे ये लिखा हुआ आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रेड पे यहाँ लिखा हुआ है और ये ग्रेजुएशन, ये सिविल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन लिखी हुई है, ठीक है। ये ग्रेजुएशन लिखी हुई है सेकेंड थर्ड जैसे मैंने बताया, रेवेन्यू ऑफिसर, ये रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4। ये 2 और 3 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ लिखे हुए, तो इसको ये देखने लायक है। अब इसमें जो है शैक्षिक योग्यता में एक दिया है आखिर में, पदक्रम संख्या 1, 2 और 3 के लिए देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी और एक राजस्थानी बोली का कार्य साधक ज्ञान होना आवश्यक। इसका मतलब ये कि कोई आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बट आपको एक कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। ये मुझे लगता है थोड़ा राजस्थान स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए कि ताकि उनको इसमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसका अगर हम पे मैट्रिक्स, जैसा मैंने आपको बताया सहायक अभियंता का पे मैट्रिक्स अगर हम देखें, 5400, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 का अगर हम देखें तो 4800 ग्रेड पे, ये लगभग फर्स्ट ग्रेड का जो टीचर होता है उनका भी ग्रेड पे यही रहता है। फिर अधिशासी अधिकारी है, इनका ग्रेड पे मैट्रिक्स 4200 है। और शैक्षिक अर्हता संबंधित प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। इसका मतलब यह है कि जो फाइनल ईयर में अपियर हो रहे हैं वो भी, या अपियर हो चुके हैं वो भी, इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिस दिन एग्ज़ाम की डेट होगी, जिस दिन एग्ज़ाम की डेट है उससे पहले उसका जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट आ जाना चाहिए उसके, मतलब जिसमें वो पास होना चाहिए। अगर वो ऐसा है तब तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अप्लाई कर दीजिए, हो सकता है एग्ज़ाम अप्रैल, मई, जून या थोड़े और वक्त के बाद हो, क्योंकि अभी देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, रीट के एग्ज़ाम है, RPSC को इंटरव्यू लेना है, RS का और भी कई एग्ज़ाम चल रहे हैं, LDC वगैरह के। तो मुझे लगता है कि इसमें होते होते 1 साल लग जाएगा। तो जो इस साल अप्लाई करेंगे, जो लास्ट ईयर में हो वो भी अप्लाई कर देंगे तो बेटर रहेगा। एक चांस लेने में क्या बुराई है, क्या पता उनका रिजल्ट आने से पहले पहले इनका एग्ज़ाम होने से पहले पहले उनका रिजल्ट आ जाए। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको 6 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए होता। अगर वो नहीं, आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो मुश्किल से मुश्किल 3 महीने लगते हैं, उसमें आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो ये सब है, बाकी जो नॉर्मल हर वैकेंसी के अंदर कंडीशंस होती हैं वो लगभग सब सेम है, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो स्पेसिफिकली तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। एंड थैंक यू।